SCHAN presents educational video lectures. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. Welcome to SCHAN Academy channel, and I am Anmol Bhatia. We are doing the course Business Mathematics, and in that particular course, we have the common query of the students that uh, we want certain Questions which are related to mattresses although we have discussed certain concepts of mattresses But in this part of the video we will be learning the same concepts with the help of certain numericals If you want to study this topic in detail refer to these books from s chand publishing and vikas publishing house Link is provided in the description box so the topic for today is important problems which are related to matrices we will be straight away coming to the question and in the question it is required to create or construct a matrix which is of 2 cross 3 that means the order of the matrix is 2 cross 3 and this is the matrix that we want to create where aij is given by this particular function तो so, इसको करने का प्रोसेस क्या है पहले तो आपको ये देखना है कि ये टू बाय थ्री का मैट्रिक्स है सो टू बाय थ्री का मतलब आपके पास दो रोज हैं और आपके पास कितने कॉलम्स हैं तीन कॉलम्स हैं बिकॉज ऑर्डर इसका टू बाय थ्री है टू क्रॉस थ्री है अब एज पर द जनरल नोटेशन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को तो आप यहाँ मैंशन करोगे सो ए वन वन विल बी द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए वन टू विल बी द फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए वन थ्री विल बी द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देन द नेक्स्ट ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देन ए टू टू सेकेंड रो सेकेंड एंड ए टू थ्री विल बी सेकेंड रो द थर्ड कॉलम अब यहाँ पर बात क्या आती है कि ये सारे एलिमेंट्स का पहले तो कैलकुलेशन करना है जस्ट रिमूव दीज लाइन्स सो दैट आपको थोड़ा क्लारिटी हो सो so ये आपको कैलकुलेट करना है अब देखिए इसके लिए क्या है आपको एक फंक्शन दिया हुआ है आपको एक फंक्शन ये दिया हुआ है इसी में अगर आपको ए वन वन मैं सब्सिट्यूट करने को बोलूं, तो आई के प्लेस पर वन और जे के प्लेस पर वन तो वन प्लस टू द होल स्क्वायर विच इज वन प्लस टू विच इज थ्री थ्री स्क्वायर बाई थ्री विच शुड बी थ्री सो इन प्लेस ऑफ ए वन वन वॉट यू कैन राइट यू कैन राइट थ्री फिर जो दूसरा है क्वेश्चन विच इज दूसरा पार्ट विच इज ए वन टू सो आपको क्या करना है आई के प्लेस पर वन और जे के प्लेस पर टू पुट करना है तो टू इंटू टू इज फोर फोर प्लस वन इज फाइव फ़ाइव का स्क्वायर इज़ ट्वेंटी फाइव सो ट्वेंटी फाइव बाय थ्री यहाँ जो नेक्स्ट प्लेस होगा वो ट्वेंटी फाइव 3 थ्री हो जाएगा देन ए वन थ्री है सो so i के प्लेस पर वन और j के प्लेस पर आपको थ्री सब्सिट्यूट करना है सो वन प्लस टू इंटू थ्री इज सिक्स सिक्स प्लस वन इज सेवन सेवन स्क्वायर इज फोर्टी नाइन सो ये आपके पास a13 वन थ्री हो जाएगा फोर्टी नाइन बाई थ्री यानी कि उसी के प्लेस पर आप फोर्टी नाइन बाय थ्री पुट कर दीजिए यहाँ पे मैं सब्सिट्यूट कर रहा हूँ फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या है ए टू वन सो ए टू वन के प्लेस पर वन और आई के प्लेस पर आप टू पुट कर दीजिए सो टू प्लस टू इन टू वन सो टू प्लस टू इज फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन बाई थ्री देन दू टू सो आप जे के प्लेस पर टू पुट करिए आई के प्लेस पर भी टू पुट करिए सो टू टू फोर फोर प्लस टू इज सिक्स इज थर्टी थर्टी सिक्स बाय थ्री इज वट यू कैन सब्सिट्यूट देन यू हैव ए टू थ्री सो टू थ्री यानी कि जे के, के जगह आपने थ्री पुट करना है पहले सो टू थ्री जो सिक्स सिक्स प्लस टू इज एट एट स्क्वायर इज सिक्सटी फोर सो इट वुड बी सिक्सटी फोर बाय थ्री यही सेम नंबर्स आप यहाँ लिख देंगे तो सिक्सटीन बाई थ्री थर्टी सिक्स बाई थ्री एंड सिक्सटी फोर बाय थ्री आ जाएगा और ये आपका ए मैट्रिक्स होगा जो कि क्वेश्चन में मांगा था आपसे तो ए मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट किया सो तो सेम ही है इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर हर क्वेश्चन या हर पार्ट में इंडिविजुअली ये नंबर्स को सब्सटीट्यूट करते चलिए और फाइनल मैट्रिक्स आपके सामने होगा अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला गया कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ये दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दिख रहे हैं और आपसे पूछा है इनमें जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनको फाइंड आउट करिए और या उनको सॉल्व करिए तो so, मैट्रिसेस में एक कंसेप्ट रहता है कि जब भी ये आपके पास दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका मतलब इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स इक्वल होंगे जैसे यहाँ पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट के इक्वल होगा दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा तीसरा तीसरे के एलिमेंट चौथा चौथे के जहाँ जिस प्लेस पर जो लिखा है उन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए तो so, यहाँ आपको ऐसा मेंशन करना है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन पहला दूसरा फिर टू एक्स प्लस जेड

फिर आप क्या करोगे पहले आपके पास ये इक्वेशन और ये इक्वेशन equation, दो इक्वेशन हैं इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे जिससे आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्सिट्यूट करिए यू कैन गेट वाई की वैल्यू फिर आप देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई थी पहले एक्स की वैल्यू वन यू कैन सब्सिट्यूट एक्स एज़ वन जिससे जेड निकल जाएगा राइट सो टू इंटू वन इज टू प्लस जेड इक्वल्स टू फाइव यहाँ से जेड निकल गया उसके बाद z की वैल्यू आपके पास आ गई है z की वैल्यू इधर सब्सिट्यूट करिए z की वैल्यू थ्री आई थी तो थ्री इंटू थ्री इज नाइन प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस थर्टीन जिससे w की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ हैं यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसी के जैसा सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसमें ऐसा बोला है कि कंस्ट्रक्ट करना है आपको थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स की जनरल इक्वेशन आपको मैंशनड है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है जो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है उस ऑर्डर के हिसाब से ही आपको प्रोसीड करना है सो so यहाँ पर क्योंकि ये थ्री क्रॉस थ्री का ऑर्डर है सो so आप यहाँ पर तीन रोज़ बनाएंगे क्योंकि यहाँ पहले रो होती है हॉरिजॉन्टल फिर उसके बाद आप तीन कॉलम्स बना लेंगे अब क्योंकि आपने तीन रोज़ और तीन कॉलम्स बनाए तो आपको एलिमेंट्स भी उसी हिसाब से मेंशन करने पड़ेंगे सो so आप यहाँ पहले लिखेंगे ए वन वन फिर दूसरे एलिमेंट को आप लिखेंगे ए वन टू तीसरे एलिमेंट को आप लिखेंगे ए वन थ्री देन यू विल राइट ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री देन ए थ्री वन ए थ्री टू देन ए थ्री थ्री ये लाइंस बनाना अच्छा रहता है बिकॉज उससे आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी देन आफ्टर यू गेट दीस पर्टिकुलर पार्ट्स दैट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड उसी में आपको जो ए आई जे की एक जनरल इक्वेशन दी हुई है ये जनरल इक्वेशन आपको दी है माइनस थ्री प्लस आई प्लस जे डैट इज देयर इन मॉड अपॉन टू अब आपको अगर चाहिए ए वन वन सो आई के प्लेस पर वन और जे के प्लेस पर भी वन आप सब्सिट्यूट कर दीजिए विच इज माइनस थ्री प्लस वन प्लस वन दैट इज देयर इन मॉड अपॉन टू सो माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू माइनस टू प्लस वन इज वन जिसका मॉडल वन होगा सो वन बाई टू इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स भी आप कैलकुलेट कर लेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ ये बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे ए वन टू भी आप इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे फिर आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दोज एलिमेंट्स यू नीड टू राइट ऑल द एलिमेंट्स हेयर इन द पर्टिकुलर एलिमेंट्स प्लेस सो जिस तरह से मैंने प्रोसीजर आपको कैलकुलेट करके दिखाया था वैसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए आपको दो मैट्रिक्स तो इक्वल दिए हुए हैं बट साथ ही साथ इधर ए भी लिखा हुआ है प्रोडक्ट में तो देर इज वन मैट्रिक्स और साथ में ए लिखा हुआ है और इधर आपको एक नया मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि ए फाइंड करना है तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट थोड़ा पहले समझना पड़ेगा क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए वो ज़रूरी होगा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास अगर ये दो मैट्रिक्स हैं मान लीजिए कि इसका ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है सो so, रूल ये कहता है कि फर्स्ट वाले एलिमेंट का कॉलम और सेकंड वाले एलिमेंट का रो सेम होना चाहिए तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा सो so, इसका कॉलम और इसकी रो सेम होंगी तभी ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकेंगे और जो नया मैट्रिक्स आएगा दैट मे बी ए बी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर पी क्रॉस एम होगा अब यहाँ आप देखिए अगर मुझे ए मैट्रिक्स को एज्यूम करके चलना है सो एज्यूम करने के लिए आपको पहले वो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा अपने पास ये मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अभी छोड़ते हैं आपको पहले इसका ऑर्डर को ध्यान रखना है इसका ऑर्डर क्या है तीन रोज हैं अपने पास और दो कॉलम्स हैं तो दैट मीन्स थ्री क्रॉस टू का मैट्रिक्स है ए का ऑर्डर हमें जज और इक्वल्स टू ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है थ्री क्रॉस थ्री तो इसका ऑर्डर जज करने के लिए आपको क्या है वो प्रोसीजर ध्यान में रखना है पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए दैट मीन्स ये टू होना चाहिए तभी ये और ये दोनों इक्वल होंगे तभी वो मल्टीप्लाई हो पाएगा क्रॉस आपको नया मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर थ्री है इधर भी क्या लिखना चाहिए मुझे थ्री तभी जाके वो थ्री क्रॉस थ्री बनेगा जैसे यहाँ पी और एम था तो पी क्रॉस एम बना वैसे यहाँ पर भी एलिमेंट्स हमें पता करने हैं अब सो तो हम क्या करेंगे टू माइनस वन वन ज़ीरो माइनस थ्री और फोर इसके साथ साथ हम कुछ एलिमेंट्स इधर लिख देंगे बट उसका ऑर्डर अपने पास है टू क्रॉस थ्री दैट मीन्स अपने पास दो रोज़ हैं और अपने पास तीन कॉलम्स हैं तो दो रोज और अपने पास तीन कॉलम्स हैं तो मैं यहाँ कोई भी फिक्टिशियस एलिमेंट्स लिख देता हूँ विच इज़ ए बी सी डी ई एफ एंड दैट इज इक्वल टू द सेम एलिमेंट्स माइनस वन माइनस एट माइनस टेन वन माइनस टू माइनस फाइव नाइन ट्वेंटी टू और फिफ्टीन अब आप देखिए इन दोनों एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है सो so, मल्टीप्लाई का प्रोसीजर क्या है मल्टीप्लाई के प्रोसीजर के लिए आपको इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है दैट मीन्स जो नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर अपने पास थ्री क्रॉस थ्री का होगा सो so ये अपने पास आया टू ए माइनस डी फिर अपने पास फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है रहेगा टू बी माइनस ई फिर ऐसे ही तीसरा टू सी माइनस एफ देन नेक्स्ट वाला सेकेंड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है विच इज़ ए ओनली बिकॉज़ बाकी तो जीरो ही हो जाएगा फिर वन इंटू बी इज़ बी फिर वन इंटू सी इज सी फिर तीसरा वाला माइनस थ्री फोर को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है सो माइनस थ्री ए प्लस फोर डी फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस थ्री बी प्लस फोर ई देन माइनस 3c सी प्लस फोर एफ दैट इज इक्वल टू द सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स फिर आपने क्या करना है जैसे अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने ध्यान दिया था माइनस वन है ये एलिमेंट सो माइनस वन है माइनस वन यहाँ माइनस वन आप लिखेंगे माइनस एट माइनस टेन वन माइनस टू माइनस फाइव एंड नाइन ट्वेंटी टू और फिफ्टीन अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया था, था कि ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा ऑन कंपेयरिंग सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल होगा वैसे ही हमें कंपेयर करना है और कंपेयर करके इक्वेशन सॉल्व करनी है सो यहाँ आप देखिए मल्टीप्लाई के लिए पहले ये अपने एलिमेंट्स आपने देख लिए दो रोज और तीन कॉलम्स वाले एलिमेंट्स हमने ज्यूम किए मल्टीप्लाई किया फिर उनके बाद कंपेयर किया कंपेयर करके जब आप इनको सॉल्व कर लोगे बाय यूजिंग दो सिमिलर इक्वेशंस आपके पास ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे टिल एफ फिर उसके बाद इसी एलिमेंट को इस इस सेम मैट्रिक्स में जो आपने एज्यूम किया था उसके अंदर सब्सिट्यूट कर दीजिए सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको बोला है कि इस इक्वेशन को प्रूव करिए कि इस इक्वेशन में जो फाइनल एंड रिजल्ट होगा दैट इज़ ज़ीरो और बोला है हैंस इवेलुएट ए रिज टू पावर फोर सो क्या करना है आपको पहले ए दिया हुआ है और ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इवेलुएट करना है सो ए स्क्वायर के लिए आप क्या करते हो ए मल्टीप्लाइड बाय ए करते हो इसका मतलब क्या है थ्री वन माइनस वन और टू को मल्टीप्लाई कर लीजिए थ्री माइनस वन वन और टू से जिससे आपके पास एक ए स्क्वायर का मैट्रिक्स आ जाए फिर आपके पास फाइव ए टर्म है ये नेक्स्ट पार्ट में फाइव ए का मतलब फाइव बाहर रखिए और ए टर्म विच इज़ थ्री माइनस वन वन टू इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके कॉन्सेप्ट के पीछे जो टॉपिक है दैट इज़ मल्टीप्लीकेशन विद द स्केलर सो फाइव अगर इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका मतलब यहाँ आ जाएगा फ़ाइव फीजा फिफ्टीन ये फाइव हो जाएगा माइनस फाइव और फाइव टू जो टेन जी अपने पास फ़ाइव ए की वैल्यू आ गई फिर आपको तीसरा जो टर्म दिया है वो सेवन आई दिया हुआ है सो so, उसको फाइंड करने के लिए आप यहाँ लिखोगे सेवन आई सेवन रिमेन सेवन और आई के प्लेस पर आप टू बाई टू का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए वन जीरो ज़ीरो वन सो दैट वुड बिकम सेवन ज़ीरो ज़ीरो सेवन फिर आपने क्या करना है इन तीनों को इसी पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्सिट्यूट करना है जिससे ज़ीरो आ जाना चाहिए तो यहाँ देखिए ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है ये ए की वैल्यू और ये आई की वैल्यू जब सब्सिट्यूट किया तो आपके पास सारे एलिमेंट ज़ीरो 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 आ गए इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसको आप नल मैट्रिक्स लिख सकते हो ज़ीरो या ओ से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको सो अपने पास ये इक्वेशन आ गई अब आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ लिखी है हैंस फाइंड हैंस का मतलब है ये करने के बाद आप इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये प्रूव करिए या फाइंड करिए कि ए फोर की वैल्यू क्या है सो so यहाँ पर आपको क्या करना होगा उसी इक्वेशन में से पहले आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव ए माइनस सेवन आई यहीं से देखिए फाइव ए माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा माइनस सेवन आई आएगा आपके पास सो so ये वैल्यू आई आपके पास फाइव ए माइनस सेवन आई अब आपको चाहिए ए की पावर फोर की वैल्यू क्या है तो ए की पावर फोर को आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ ये फाइव ए माइनस सेवन आई और इस ए स्क्वायर की भी सेम वैल्यू है तो ये आप दो बार लिख कर मल्टीप्लाई करना रह गया है बस इसमें तो so, आप इसको दो बार लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी वो इक्वेशन ये है फिफ्टी फाइव ए माइनस वन ट्वेंटी सिक्स आई आफ्टर मल्टीप्लाइंग सो फिफ्टी फाइव रिमेन्स फिफ्टी फाइव ए के प्लेस पर आप वही सेम मैट्रिक्स जो इनिशियली क्वेश्चन में आपको दिया था वन ट्वेंटी सिक्स रिमेन्स द सेम आई के जगह आप वन जीरो जीरो वन लिख सकते हैं फिर जब आप इसको सॉल्व करते हो बाय द जनरल प्रोसीजर यू विल गेट दिस रिज़ल्ट तो इसका मतलब ये रिज़ल्ट किसका है ए की पावर फोर का है हम इस क्वेश्चन को अगर ये इक्वेशन ना होती तब भी कर सकते थे अगर ये क्वेश्चन में ऐसा बोला गया होता कि ये चीज़ नहीं है और आपसे सिर्फ ए दिया था और आपको बोला था इवेल्यूएट ए फोर तो आप क्या करते पहले तो ए स्क्वायर निकालते फिर आप ए क्यूब निकालते फिर आप ए की पावर फोर निकालते दैट मीन्स दैट वुड बी अ लॉन्ग प्रोसीजर क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन करना था उसमें बट इस क्वेश्चन में क्योंकि ये इक्वेशन दी थी तो इस इक्वेशन से आपके पास एक स्क्वायर की वैल्यू आ गई उस ए स्क्वायर की वैल्यू को आपने ए की पावर फोर में किया जिससे रिजल्ट ईजी हो गया सो वी स्टॉप हेयर फॉर अ शॉर्ट ब्रेक आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द ब्रेक वी विल लर्न दिस मैटर्स इज कंसेप्ट मोर इन डिटेल सर्टेन एग्जाम्पल्स ना क्वालिटी लर्निंग इज इजिली अवेलेबल एट अ डोर S Chand Academy brings detailed lectures based on UGC curriculum as per the new education policy 2020 So do not forget to subscribe to the S Chand Academy and access the wide world of knowledge conveniently sitting within the comfort of your home Stay connected and keep watching S Chand Academy Happy learning Welcome back after the break before going to the break, we have learned the concept of matrices through the help of certain examples. But the query of the students were how this matrices is applicable in commerce and we as a BCom student, uh, how can we use this matrices concept in our day to day life. So this example would demonstrate the application of this matrices uh, through the help of uh, this elaborative example. So, the question that we will be doing is like this and the question is related to certain percentages and certain amount of investment that is being done so the question says that a trust fund has 30000 and this 30000 must be invested in two types of bonds the first bond is paying an interest of 5% per year and the second is paying 7% per year so it is mentioned that using matrices multiplication concept, you need to determine how to divide this 30,000 amongst these two types of bonds so as to obtain a total interest of 1800. So, it is related to certain concepts of uh, commerce and investments, and also they are saying that use the concept of matrix multiplication.

तो इस क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कि थर्टी थाउजेंड को आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो इनटू टू द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स सो एज्यूम करके चलते हैं कि पहले बॉन्ड में आप एक्स अमाउंट ऑफ मनी को एज्यूम को इन्वेस्ट कर रहे हो और सेकेंड बॉन्ड में आप बची हुई अमाउंट को एज पुट कर रहे हो इन्वेस्ट कर रहे हो तो थर्टी थाउजेंड टोटल था एक्स एक में, कर में -X इन्वेस्ट कर दिया दूसरे में थर्टी थाउजेंड माइनस एक्स इन्वेस्ट करोगे अब इंटरेस्ट की बात है कि फर्स्ट बॉन्ड जो है वो पाँच परसेंट का इंटरेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब फाइव बाई हंड्रेड पर रुपी का आप कह सकते हो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है और सेकेंड बॉन्ड में सात परसेंट पर ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है सो दैट वुड बी सेवन बाय हंड्रेड पर रुपी अब यहाँ जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो और इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है दैट आर टू बी मल्टीप्लाइड सो एज मल्टीप्लाइड एंड एडेड सो एज टू गेट द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सो ऑल दो आपको करना क्या था अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई इंटरेस्ट इन द फर्स्ट केस फिर सेकेंड केस में भी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द इंटरेस्ट बट क्वेश्चन में ऐसा बोला कि आप मैट्रिस यूज़ करिए या मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन यूज़ करिए सो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा सेम इक्वेसन को आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होगा सो so, पहले जो अमाउंट है अपने पास वो एक्स और थर्टी थाउजेंड माइनस एक्स है इसका ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर है अपने पास वन रो और टू कॉलम्स यानी कि वन क्रॉस टू का ऑर्डर है अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ और मुझे एक सिंगल क्वांटिटी चाहिए सिंगल क्वांटिटी का मतलब क्या है वट आई वॉन्ट हेयर आई वॉन्ट हेयर सिंगल एलिमेंट यहाँ पर कॉस्ट का या इंटरेस्ट का जो भी टोटल वैल्यू है वो चाहिए तो दैट मीन्स मेरे पास ऑर्डर क्या है वन क्रॉस वन का ऑर्डर है अब इधर मुझे क्या ऑर्डर लिखना चाहिए मुझे टू क्रॉस वन का ऑर्डर लिखना चाहिए सो दैट दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन इज़ वैलिड अब टू क्रॉस वन है दैट मीन्स मेरे पास दो रोज हैं और एक मेरे पास सिंगल कॉलम है तो यहाँ पहला जो इंटरेस्ट आएगा वो फाइव बाय हंड्रेड का होगा और जो दूसरा इंटरेस्ट आएगा वो सेवन बाय हंड्रेड का होगा अब आपने क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जिससे आपके पास एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इक्वेशन आ जाए सो so मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लोगे दैट मीन्स फाइव एक्स बाई हंड्रेड प्लस सेवन इंटू थर्टी थाउजेंड माइनस एक्स डिवाइड बाई हंड्रेड सो आपके पास ये फर्दर इक्वेशन आ गई अब आपसे क्या पूछा था टोटल क्या बोला था कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें सो so दैट ये टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू अठारह सौ हो तो इंटरेस्ट अभी आपने निकाला है सो तो यहीं पर आप 1800 सौ कर सकते हो जिससे एक्स की वैल्यू आपके सामने होगी सो so मैंने यहाँ पर 1800 पुट किया उसी इक्वेशन में जिससे मेरे पास एक्स की वैल्यू पंद्रह आ गई सो so अगर एक्स की वैल्यू पंद्रह है इसका मतलब आप फर्स्ट बॉन्ड में एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे तो इसका मतलब पहले बॉन्ड में आपको पंद्रह हजार इन्वेस्ट करना है और दूसरे बॉन्ड में आपको भी पंद्रह हज़ार इन्वेस्ट करना है

ऐसी चीज़ों में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में जिसमें मल मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ के साथ या नंबर ऑफ़ कैलकुलेशन बढ़ जाती हैं तब आप मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट वहाँ यूज़ करते हो तो जिससे थोड़ी आसानी हो जाती है इक्वेशंस को सॉल्व करने में अगर आपके पास नंबर ऑफ़ इक्वेशंस काफ़ी सारी हैं आपको सिंगल इंटरेस्ट की वैल्यू चाहिए तो वहाँ से आपके पास ये इजीली आ जाएगी अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है विच इज़ द एक्सप्रेसन ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ टू मेट्रिस विच इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए इसमें कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसपोज का कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज पहले आपको फाइंड करना रहेगा जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स अपने पास है वन टू थ्री फोर और इसका ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है तो ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को आप कॉलम में बदल दीजिए और वाइस वर्षा सो फर्स्ट रो so जो है वन टू वो पहला कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी ये होता है ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट दूसरा कांसेप्ट जो सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है वो ये है कि अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है उसका मतलब उस मैट्रिक्स को आप बोलते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तब उसको आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हो अब ये क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में मिल जाता है जिसमें आपको ये बताना होता है कि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करिए जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो होगा ए प्लस ए प्लस ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय हाफ पी की वैल्यू ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगी और क्यू की वैल्यू हो जाएगी हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हाफ हमने क्यों लगाया क्योंकि आपको बोला है कि इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ दीज टू सो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो यानी कि अगर आप पी और क्यू को ऐड करते हो सो so देखिए अगर आप ऐड कर रहे हो तो हाफ बाहर आता है और ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कैंसिल हो के टू ए बनता है यानी कि टू ए आपका ब्रैकेट के अंदर है तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ए मैट्रिक्स आ जाएगा तो ए मैट्रिक्स जो है दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दीज टू विच इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का सम तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही हो जाएगा पी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा क्यू तो so अब करना है इसको कैसे है आपको ए आपके पास है उसका ट्रांसपोज पहले आप निकाल लो उस ट्रांसपोज को ए में ऐड करो हाफ से मल्टीप्लाई करो आपको पी मिलेगा फिर ए को ए ट्रांसपोज में से माइनस करिए हाफ से मल्टीप्लाई करिए आपको क्यू मिलेगा जो दो मैट्रिक्स आएंगे उनका सम कर लीजिए ए वापस मिलना चाहिए तो ये इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसका सोल्यूशन है तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए सो so, ए और ए ट्रांसपोज को अगर जब आप ऐड करोगे ऐड करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि दो मैट्रिक्स के सेम सेम एलिमेंट्स हैं उन दोनों को ऐड करो एलिमेंट्स को फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हुआ तो ट्वेंटी मिला सेवन में एटीन ऐड हुआ तो ट्वेंटी फाइव मिला नाइन में थ्री ऐड हुआ तो ट्वेल्व मिला तो इस तरह से आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू होगी जिसमें आपको दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा फिर मैंने अभी आप आपको बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स P से डिनोट होता है विच इज़ हाफ टाइम्स A प्लस ए ट्रांसपोज तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और हाफ टाइम्स A माइनस ए ट्रांसपोज विच इज़ एस क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको वापस A की वैल्यू मिल जाएगी सो तो अगर आप इनको ऐड करते हो तो वापस आपको A की वैल्यू मिलेगी अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन एक वेरीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोला हुआ है कि आपके पास दो एलिमेंट्स हैं या दो मैट्रिस हैं आपके पास और आपको ये बोला है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है या नहीं होता दैट वी नीड टू वेरीफाई इट सो उसके लिए देखिए क्या करना है a आपके पास है आप a ट्रांसपोज निकाल लें a ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना देंगे यानी कि वन टू वन ऐसे मेंशन कर देंगे फिर सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम बना देंगे तो 506 हो जाएगा ये इसी तरह से बी ट्रांसपोज आपके पास होना चाहिए सो so बी आपके पास है बी ट्रांसपोज आपने निकाला फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दीजिए माइनस फोर माइनस फाइव और माइनस थ्री फिर टू फाइव और टू फाइव और थ्री अब मुझे इधर करना क्या है मुझे ए प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए सबसे पहले तो आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड जिसमें मुझे ए प्लस बी पहले चाहिए होगा फिर उसका मैं ट्रांसपोज करूँगा सो so ए प्लस बी के लिए आप देख रहे देख रहे होंगे कि दोनों मैट्रिक्स का सेम सेम ऑर्डर है इसका ऑर्डर है टू क्रॉस थ्री और उसका ऑर्डर भी टू क्रॉस थ्री है तो अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करने की कोशिश करोगे सो एलिमेंट वाइज एडिशन होगा यानी कि वन माइनस फोर में ऐड हो जाएगा तो वन प्लस माइनस फोर विल बी माइनस थ्री टू प्लस माइनस फाइव विल बी माइनस थ्री वन माइनस थ्री विल बी माइनस टू फिर ऐसे ही फाइव प्लस टू विल बी सेवन देन यू हैव जीरो प्लस फाइव इज फाइव देन सिक्स प्लस थ्री विल बी नाइन सो यू गॉट वन रिजल्ट अब इसी रिजल्ट का मुझे क्या करना है ट्रांसपोज यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपको करना है ट्रांसपोज का मतलब क्या है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम आपने बना लेना है तो माइनस थ्री माइनस थ्री और माइनस टू फिर आपके पास जो सेकेंड रो है उसको आपको सेकेंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना लेना है माइनस सेवन फाइव और नाइन सो so, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया अब आपको क्या करना है द राइट हैंड साइड नीड्स टू बी फाउंड आउट सो राइट हैंड साइड में आपको ये बोला हुआ है कि यू नीड टू यू नीड टू हैव ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इंडिविजुअल ब्रेक करके लिखा है उसको अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू मेरे पास ये है बी ट्रांसपोज की वैल्यू मेरे पास ये है सो so, मुझे क्या करना है बस उन दोनों एलिमेंट्स इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को क्लब करना है सो so, वन पहला एलिमेंट इसका है माइनस फोर दूसरा एलिमेंट इसका है सो वन माइनस फोर इज माइनस थ्री फाइव प्लस टू इज सेवन टू प्लस माइनस फाइव इज माइनस थ्री ज़ीरो प्लस फाइव इज फाइव वन प्लस माइनस थ्री इज माइनस टू एंड सिक्स प्लस थ्री इज नाइन सो यहाँ आप देख रहे होगे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के सम के इक्वल है दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पोर्शन दैट वॉज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन दैट इज़ पर्टिकुलरली वैलिड सो ये वेरीफाइड है so, ये पार्ट वेरीफाइड है कि दिस इज़ बींग पर्टिकुलरली इक्वल बट प्रोडक्ट्स के केस में ऐसा नहीं होता अगर आपको ए इंटू बी का ट्रांसपोज बोला हो और ये ऐसा बोला जाए कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के इक्वल है सो दिस इज़ नॉट ट्रू बिकॉज मैट्रिसेस आर नॉट कॉमिटेटिव सो इसके लिए जो प्रोसेस है या इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज दिस वन इज़ ट्रू और दिस वन इज़ वैलिड Because matrices are not commutative, that would be the reason for it, and this equation will hold good. If you A or B, equation you can verify So with this, we come to the end of uh, this video in which we learnt certain concept of matrices, in which we have seen the concept of matrices with the help of an example, which is applicable to the commerce students also. Thank you. If you want to study this topic in detail refer to these books from S Chand Publishing and Vikas Publishing House link is provided in the description box If you found our video interesting please like share and subscribe and do not forget to press the bell icon rights resolved. This video has been prepared for educational purposes only. no part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.